हिमांशु और पार शुरुआत में भाई बहन का रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से इनके रिश्ते खराब हो गए हैं और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं और अब तो इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया है। दरअसल घर में हो रहा है टीचर स्टूडेंट वाला टास्क, जहां पर हिमांशी बनी है टीचर और पारस छाबरा बनी है स्टूडेंट। और इस टास्क के दौरान हिमांशी स्टूडेंट्स यानी कि बाकी घर वालों से कहती है कि आप अब हमें स्ट्रेचिंग करके दिखाएंगे, तो इस पर पारस छाबरा हिमांशी की नकल करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, मैडम जी क्या आप हमें करके बता देंगी कि स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? तो इस पर हिमांशी कहती है कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। हिमांशी कहती है कि आई एम टेलिंग यू, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। पारस कहते हैं कि मैडम जी मैं तो इस तरीके से ही बात करता हूँ और ऐसे ही बात करूंगा। इस पर हिमांशी गुस्सा हो जाती है और उनका पारस के साथ एक झगड़ा हो जाता है और वो टीचर होती है इसलिए सजा के तौर पर उन्हें कहती है कि 2 मिनट के लिए आपको एक ही जगह पर खड़े होकर रनिंग करनी है। इस दौरान माहौल काफी खराब हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।